चंदन उपाध्याय है वो, हाँ वो ले कॉल पे मतलब इधर भी लेते हैं, अच्छा, तो उनका भी कंपनी जरूर आएगा, कुछ गाएंगे वो कुछ। छोड़िए उस सब चंदन उपाध्याय, उस सब छोड़िए, उस सब को छोड़िए ना, उसको हम देखना नहीं चाहते हैं। देखिए सरकार को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी को भी ये लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। और आज मैं इसको देखिए कितना रेलता हूं, अभी मैं कॉल करता हूं इसके पास, आप लोग देखिए कॉल करके कितना रेलते हैं इसको हम। क्या नाम है इसका? नाम रखा है रंजय राजधानी, बताइए नाम है रंजय राजधानी और काम करता है ये बेहुदई वाला, ये सब गाना गाएगा ये सब, आई सब गाना गा के ये सब स्टार कब बनेगा नहीं। कॉल जा रहा है, इंतजार कीजिए आप लोग, उठाओ जल्दी भाई, इसको परेशान कर रहा होगा सब, नंबर नंबर सब दिया है पोस्टर पर, इसको लोग परेशान कर रहा होगा, अभी कॉल नहीं उठा रहा है डर के मारे, जिस व्यक्ति को कॉल कर, लेकिन हम ही मानने वाले नहीं है। तू कब तक नहीं उठाएगा भाई, कब तक नहीं उठाएगा तू, भोजपुरी में कचरा फैला के रख दिया है ये सब। रिंग जा रहा है, डर के मारे उठा नहीं रहा है। गाना गाएगा कि मोदी भतार आ लालू यार। हेलो, हेलो सिंगर रंजय राजधानी बोल रहे हैं? जी भैया, क्या बोल रहे हैं आप? मेरा नाम विकास दुबे हुआ, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब फेसबुक पर वीडियो डालते रहता हूँ, और मेरा काम है बस फोन करके जो है इंटरव्यू लेते रहता हूँ, सभी लोगों का समाचार लेते रहता हूँ जी, जी। तो आपका ये गाना देखे हैं, आप क्या गाए हैं? लालू यार मोदी भतारी, कौन गाना है ये सुने हैं क्या गाना आप? गाना? अभी अभी आपका पोस्टर मेरे सामने आया है तो क्लिक करके देखे हैं, तो आप गा रहे हैं लालू यार मोदी भतारी, क्या है ये? कहाँ पे है आप, मैं अभी अपने स्टूडियो में ही हूँ। मतलब कौन जगह, मेरा गाना कहाँ तक पहुंच गया है? अरे गाना कहाँ तक पहुँच गया है? गाना ऐसे ऐसे गाओगे तो गाना तो पहुँचबे करेगा, लेकिन गाना ये कौन गाना है, इसका मतलब क्या है, हम ही जानना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, जो लिखा हुआ है वही मतलब है, सीधा बात है, तो मोदी माने तो भाता माने तो लिखा रहा माने माने मोदी भतार हैं, लालू यार हैं नीतीश कुमार के। है। हाँ, जो हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वाह भाई वाह, कहाँ अब तुमको स्टार, पे अब जो है ना, अब तुमको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता है ना। अब कोई नहीं रोकेगा, वाकई में हम स्टार और आधा स्टार हो गए। जब आपके पास मेरा गाना पहुंच गया, हाँ समझिए कि मेरा गाना कुछ ना कुछ तो वायरल जरूर हुआ है, अच्छा, और तब समझिए मेरा गाना वायरल हो रहा है, हम स्टार हो जाएंगे। हमको स्टार बनने के लिए गीत तो गीत है, हम गाड़ियों गा देंगे, गाड़ी हम लिखवाएंगे, कोनो राइटर नहीं मिल रहा है ना, तो हम गाड़ी लिखवाएंगे या गाड़ी गाएंगे या गाड़ी गा के स्टार बन जाएंगे। अच्छा, माने अब ये बाकी रह गया है कि अब आप गाड़ी गाइएगा, गाड़ी का स्टार बनिएगा। कुछो गाएंगे तो मुंह से बोल रहे हैं, हम लोग कुछ दिखा थोड़ी रहे हैं, इतना समझ लीजिए कि हम लोग जेंट्स हैं तो इतना काफी है। लड़की सब कुछ दिखा रही है, मतलब रील पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मतलब जो भी है रील का जो प्लेटफॉर्म है, हर जगह दिखा रही है लड़कियां। अरे तो मान लीजिए कि कोई अगर इनार में कूद रहा है तो आप भी देखा इसकी कूद जाइएगा क्या? हम इनार में नहीं कूदेंगे, हम इनार के कगरी जाके बच जाएंगे। अच्छा, माने इनार इनार में नहीं कूदिएगा, लेकिन बाकी सब में जो है आप हिंसा कीजिएगा, जो लोग करेगा वही आप कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या इसलिए कि इनार में कूदने के लिए सब तक कूदिए, हम भी जाएंगे उसी भी उसे, लेकिन कूदेंगे नहीं, हम बच जाएंगे। ए महाराज, आपको माने थोड़ा भी शर्म वरम नहीं लग रहा है? क्या गा रहे हैं, भोजपुरी से बर्बाद हो रहा है, आप ही लोगों के जैसे आप ही लोगों के वजह से ही भोजपुरी पूरा बर्बाद हो रहा है। जानते हैं जहाँ पे हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं, वहां पे क्या इज्जत मिलता है हम लोगों का, आपको पता है ही? रउवा लोग के इज्जत से हमारा कोनो फर्क बा, हम लिए गाना बाजे के चाहिए, बस उतने काफी बा, कुछो गा देंगे, गाना बजना चाहिए। बस किसी को गाली भी देना पड़े तो आप गाली भी दे सकते हैं, आपका गाना बजने से मतलब है। किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को गाली देवो नहीं किए, बस लालू और मोदी जी के बारे में जो बोले, और लालू जी के बारे में
कोई गलत बात नहीं है। और मतलब आप ही सोच के देखिए ना, जो प्रधानमंत्री है उनके बारे में हम बोले कि वो भटार है, तो भटार शब्द कोई अश्लील थोड़ी है। अच्छा ठीक है ठीक है, हम मानते हैं कि नीतीश कुमार के मतलब मोदी जी भटार हैं, लालू ईआर हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार आपके ऊपर एक्शन लेंगे तो आपका कितना मतलब नुकसान होगा? आप गाना गाए हैं, जानते हैं, इसके वजह से आपका जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। कितने दिन तक जेल में जाएंगे? कोई मर्डर किए हैं कि हमको फांसी होती हो जाएगा? अच्छा आप सुनिए सुनिए, निकाल लेगा हमको। आप अपने दिल पे हाथ रख के जरा हमसे बताइए कि आप जो ये गाए हैं ये सही गाए हैं, आपको सही लग रहा है? हम गा दिए हैं, वायरल होना रहा है, आपके यहाँ पहुंच गया, उसी तरह और लोगों के पास पहुंचेगा, और कॉल आएगा, उसी तरह बतियाएंगे। गाना का कोई मतलब हो या ना हो, बस गाना मतलब गा देना है, गाना बजना चाहिए मार्केट में, कोई उसका मतलब निकले चाहे ना निकले। हाँ जी बोलो। बिल्कुल मतलब है, रुको अभी सुनिए भाई, इसका मतलब इतना फ्रेश है कि हम यही ना गाए हैं, मोदी जी भटार है और लालू जी यार है। यार का मतलब यार दोस्त हो गया, इस मतलब पहले का जवानी का दोस्त है, और भटार का मतलब सब लोग जानता है कि भटार वही है जो भाव से तार देता है, भाव से पार करता है। तो प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, वो भटारे है, सबका मतलब भाव से तार कर रहे हैं, तरन कर रहे हैं। देखिए सभी लोगों का यही बहाना होता है जो ये बोल रहे हैं रंजय राजधानी, सभी लोगों का यही बहाना होता है, एक ना एक ऐसा पॉइंट चुन लेते हैं जो रख देंगे, जब भी मीडिया वाला पूछेगा ये लोग वही पॉइंट रख देंगे कि नहीं मैंने सही गाया है, ये है इसमें मैटर। देखिए कैसे घुमा रहे हैं, किसी न किसी एंगल से तो सही लग रहा है ना। हाँ जी बोलो ना, जाओ तुम। हाँ किसी न किसी एंगल से तो सही लग ही रहा है, 100% थोड़ी ना गलत गा दिए हम। अच्छा सही गाना गाए हैं आपके ना? बिल्कुल, आप देखिए ना, निमन निमन गाना भी एक से गाया है हमारा, सब लोग कहता है कि रंजन राजधानी अच्छा गाते हैं, आवाज बढ़िया, लेकिन मेरा गुण में नहीं बचता है। अच्छा अच्छा ये बताइए आप कितना दिन से गाना गा रहे हैं? लमसम 10-12 साल से गा रहे हैं। तो खाली देखिए एक वो गाना अभी तक आपका बजा है कि नहीं मार्केट में? एक वो नहीं बजा है, बजा अरे नहीं ना बजेगा, कैसे बजेगा जब आप ये सब गाना गाइएगा, मोदी भटार हैं, लालू ईआर हैं, फलानवा के गाड़ी दीजिएगा, चिलानवा के गाड़ी दीजिएगा, तो कैसे बजेगा? बढ़िया बढ़िया मीटर गाइएगा तबे ना बजेगा। अब ये तो पॉइंट पकड़े हैं, पहले नीमन गा रहे थे कौनो नहीं सुना, अब उल्टा पुलटा गाएंगे तो लोग सुनेगा। तो मैंने हम देख रहे हैं खाली यूट्यूब पे वीडियो की, जितना लोग गड़बड़ गा रहा है उसका गाना बज रहा है, जितना लोग उठपटांग खुरपाती मतलब गा रहा है बेतुकी चीज उहे तो बज रहा है, इसीलिए हम भी अब गाना शुरू कर दिए हैं। अब एक एक लोग गाए, देखिए इस प्रकार का कितना गाना गाते हैं। अभी और गई है कि ना? बहुत जाएगा तो बढ़िया ना, उसके बाद महाराज निमन गीत गाएंगे, इस पर बात किसी से मत करिएगा। अच्छा सुनिए ना एक बार थोड़ा गानवा गाइएगा जो ये गाए हैं लालू यार भतार वाला, कौन गानवा गाए हैं ये? हाँ गा दे का। हाँ गाइए। अरे लालू यार मोदी भतार पूरा बरतिया बनी है बिहार, ऐसा ही कुछ है, भूल रहे हैं, देख करके गाए थे, राइटर भेजा था। अच्छा पूरा बिहार के लोग बरतिया बनी है कि ना? हाँ ये लोग बारातिये नु होके, लोग बाराती रह के बस बारातिये भर रह जाता, बाकी लोग दूल्हा गर्दा उड़ा होता था एकदम पूरा। अच्छा अच्छा मोदी भातार बनी है बरतिया पूरा बिहार, उनका गोदी कहबो उनका गोदी आई है लीला होता बार बार। आगे सुनी कि बिहार के जनता से होता खेलावार, ऐसा ही कुछ आप भूल रहे हैं अपना लाइन, ठीक है? तो ये कौनो खराब हो रही है, बिहार के जनता से खेलवाड़े नहीं हो रहा है और पति है। अरे छोड़िए ये तो गाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भले अच्छा लग रहा होगा, लोग को अच्छा लग रहा होगा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। सुनिए बढ़िया बढ़िया कोई गाना गाया है वो सुनाइए, साफ सुथरा गाना सुनाइए। आप बीजेपी का वोटर है इसीलिए तो आपको बढ़िया नहीं लग रहा है, सही सही बताइएगा। देखिए हम किसी का वोटर नहीं है, सबका वोटर है, ठीक है? वो सब बात छोड़िए, हम आपके पास फोन किए हैं आपसे पूछने के लिए, हम आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना है, आप जब मेरे पास कॉल कीजिएगा आप हमसे पूछिएगा। गानवा काफी लोग सुना हुआ है ठीक है, लेकिन आप ही को काहे मतलब बुरा लगा, आप ही रिएक्शन काहे हो रहा है? अरे देखिए
हाँ तो अभ्यता आप मेन पॉइंट पे आए हैं, तो सब लोग वीडियो नहीं ना बनाता है, सब लोग कमेंट में आपको गरिया रहा है, आपको ध्यान नहीं है, आप नहीं देख रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं, सब लोग आपको कमेंट में गरिया रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली फोन करके आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा चलिए, कमेंट तो नहीं देखे हैं लेकिन देख लेते हैं। लोग गालियों दिया ना तो कलाकार के लिए गालियों आशीर्वाद होता है। ठीक है ना बढ़िया आशीर्वाद ले रहे हैं, ऐसे ही आशीर्वाद लेते रहिए। थोड़ा बढ़िया गाना सुनाइए, कोई बढ़िया गाना हो तो सुनाइए। बढ़िया गाना, चलिए बढ़िया गाना वो गाते हैं, एकदम बढ़िया गाना गाते हैं। थोड़ा मेरे गानों के बारे में प्रमोशन कर दीजिएगा। अरे ऐसा ऐसा गाना के हम प्रमोशन नहीं ना करते हैं। अच्छा नीमन रहेगा तो कीजिएगा। नीमन गाना गाइए, एकदम करेंगे, खुल के सपोर्ट करेंगे आपका। अब मिलाइए, आप ही समझिए, नीमन गीत कितना गाए था, आज तक किसी का फोन नहीं आया, ये वो गा दिए उस पटांग के हिसाब का फोन आ गया। इसी प्रकार से और गाएंगे और लोगों का फोन आएगा। अभी चंदन उपाध्याय है एगो, हाँ वो ले कॉल पे, मतलब इधर भी लेते हैं। अच्छा तो उनका भी फोन पर जरूर आएगा, कुछ गाएंगे। छोड़िए वो सब चंदन उपाध्याय, उस सब को छोड़िए ना, उसको हम देखना नहीं चाहते हैं। आप हमसे बात कर रहे हैं, मेरा बात कीजिए, इसमें चंदन उपाध्याय को फेंटने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, आप बारे में बात किया जाएगा। गाने को सुनाते हैं, गाना सुनाइए। कागज जब कोइल दुनिया बनावे वाला, वाह कागज जब कोइल दुनिया बनावे वाला, एगो दिल दिहले दिल के लुभावे वाला, हो एगो दिल दिहले दिल के लुभावे वाला। ठीक बाकी नहीं सब गीत। ए महाराज, इतना बढ़िया आप गाना गा रहे हैं, इतना बढ़िया आपका आवाज है, मैंने सही बताया था, शोभा नहीं देता है आपके मुख से ऐसा गाना जो है ये गा रहे हैं, ये सब का महाराज का बोले आपको। सुनिए वो सब छोड़िए, कब से गाना गा रहे हैं आप? ये बातवा है, यो तो सही आप बात बोल रहे हैं कि निमन गाइए रहे हैं लेकिन लोग सुनिए नहीं रहे, उस पटाख गा दिए तो आप सुन लिए कि नहीं। अब इसी प्रकार से सुनिए, आप भले आप दोबारा कॉल कीजिए, 5 बार कीजिए चाहे 20 बार कॉल कीजिए, लेकिन आप इससे भी गड़बड़ गीत गाएंगे, खाली गाड़ी गाएंगे। ये को बात जानते हैं, अब की बार हम आपको छोड़ियो दे रहे हैं ना, तो इसके बाद जब अगर ऐसा गाना गाइएगा तो बिना रेल ने नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? पहले हम बता दे रहे हैं। काट दिया मेन मौका पर। अरे भाई ऐसा ऐसा बेहुदा सिंगर से क्या बात करें हम, देखिए भोजपुरी को बर्बाद कर रहा है, हैं क्या गाना गा रहा है सब, इसको समझे में नहीं आ रहा है क्या गाना गाना है, मतलब कुछ भी फेमस होना है, गाना बजने से मतलब है मार्केट में बजना चाहिए, कुछ भी गाने के लिए तैयार है ये सब। बाकी और भी ऐसा ऐसा सिंगर लोग होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, भेजिए उसका लिंक, देखिए हम कैसे रेलते हैं 2 मिनट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और भरपूर सपोर्ट कीजिए।